Hi, this is Krisangi presenting current affairs today that are very important for your exam point of view. So let's start today's questions. And first question, which cricketer was named ICC Test ODI player and the cricketer of the year 2019? यानी हमें बताना है उस क्रिकेटर का नाम जिसने 2018 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वन डे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये तीनों अवार्ड अपने नाम किए हैं. तो ये हैं विराट कोहली और ये पहले ऐसे क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने तीनों आईसीसी इंडिविजुअल्स अवार्ड अपने नाम किए हैं. सेकंड क्वेश्चन, हु इज द ओनली क्रिकेटर बिसाइड्स कोहली टू बी नेम्ड इन द बोथ आईसीसी टेस्ट एंड ओडीआई टीम्स ऑफ द ईयर 2018? यानी कोहली के अलावा ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं जो 2018 में आईसीसी टेस्ट और ओडीआई दोनों ही टीम्स में सेलेक्ट किए गए हैं? तो ये हैं जसप्रीत बुमराह. और ये जो अनाउंसमेंट हुई है ये सारी ये कौन करता है? ये करता है आईसीसी. तो हमें आईसीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए. आईसीसी का मोटो है क्रिकेट फॉर गुड, जो एस्टेब्लिश हुआ था 15 जून 1909 को. एस्टेब्लिश क्या हुआ था? आईसीसी. तो आईसीसी कब एस्टेब्लिश हुआ? 15 जून 1909 को. हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में. दुबई कहाँ पे है? यूनाइटेड अरब अमीरात में. और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? वो है शशांक मनोहर. तो इतने क्वेश्चन आईसीसी से रिलेटेड आपके लिए क्लियर हो जाते हैं. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन. और थर्ड है, विच क्रिकेटर वॉन आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर फॉर द ईयर अवार्ड 2018? यानी ये जो आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 है ये किसे मिला है? तो ये हैं ऋषभ पंत. ये इंडियन विकेट कीपर हैं. और नाम क्या है इनका? ऋषभ पंत. मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. आफ्टर दैट फोर्थ, विच नेशन टॉप द ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स? यानी कौन सा नेशन है, कौन सा राष्ट्र है जिसने ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स में टॉप किया है? तो ये कंट्री है चाइना. चाइना ने इसमें टॉप किया है. देखिए ये जो इंडेक्स है इसमें दो कैटेगरी थी. पहली थी इन्फॉर्म पब्लिक और दूसरी थी जनरल पॉपुलेशन सेगमेंट. तो ये जो चाइना है, चाइना का इन्फॉर्म पब्लिक में तो स्कोर है 79 और जनरल पॉपुलेशन में है 88. अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि इंडिया की रैंक कितनी है, तो इंडिया की इन्फॉर्म पब्लिक कैटेगरी में रैंक है सेकेंड और जनरल पॉपुलेशन सेगमेंट में इंडिया को थर्ड रैंक मिली है. तो इसमें ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स में टॉप किसने किया है? टॉप किया है चाइना ने. फिफ्थ, देखो ये यहीं से क्वेश्चन आ गया और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है. ये क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं. इंडिया स्टूड एट विच पोजीशन इन द ग्लोबल ट्रस्ट इंडेक्स इन द इन्फॉर्म पब्लिक कैटेगरी? यानी अभी मैंने बताया है आपको कि इन्फॉर्म पब्लिक कैटेगरी में इंडिया की रैंक क्या है. तो इंडिया को सेकेंड रैंक मिली है इसमें. ये आपको पता ही है, अभी अभी क्लियर हुआ है आंसर. तो ऑप्शन बी हो गया, सेकेंड रैंक इंडिया को मिली है इन्फॉर्म पब्लिक कैटेगरी में. इसके बाद है सिक्स्थ. और सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द 15th प्रवासी भारतीय दिवस ऑन January 22, 2019 इन वाराणसी? यानी वाराणसी में स्टार्ट हुए प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किसने किया? तो ये इनॉग्रेशन किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा. और ये हिस्ट्री में ऐसा पहली बार है कि प्रवासी भारतीय इवेंट का आयोजन हुआ है वाराणसी में. यानी वाराणसी में इससे पहले कभी भी प्रवासी भारतीय दिवस इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया गया. अब बात आती है कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा. देखिए कंटिन्यूटी इज़ द की. अगर आप रेगुलर रहते हैं तो करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा. सो बी रेगुलर, इट विल बूस्ट योर स्कोर इन योर एग्जाम्स. और वीडियो अगर समझ में आ रही है, ये क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ रहे हैं, तो आपके लाइक्स कम नहीं होने चाहिए, बास्केट भर के आपके लाइक्स आने चाहिए. चलिए कंटिन्यू करते हैं. सेवन्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन क्या है? नितिन गडकरी ऑन 21 जनवरी 2019 इनॉग्रेटेड द 39 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट? क्वेश्चन है कि नितिन गडकरी ने 39 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कहाँ किया, किस स्टेट में किया? तो ये इनॉग्रेशन हुआ है आंध्र प्रदेश में. आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो गया. और किसने किया है? वो किया है नितिन गडकरी ने. और नितिन गडकरी कौन है?
तो ये हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे शिपिंग, वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन मिनिस्टर। तो इतनी सारी मिनिस्ट्रीज का चार्ज है नितिन गडकरी पर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी, क्योंकि मिनिस्ट्रीज कौन सी मिनिस्ट्री किसके अंडर में है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है इसका मतलब इनॉग्रेशन हुआ आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ जीके के यानी स्टैटिक के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं ESL नरसिम्हन, CM है N चंद्रबाबू नायडू, यहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है और यहाँ का जो स्टेट डांस है वो है कुचिपुड़ी। इसके अलावा यहाँ का जो स्टेट एनिमल वो है ब्लैक बक और यहाँ का स्टेट ट्री है नीम। नीम का जो ट्री होता है वो यहाँ का स्टेट ट्री है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो कि यहाँ का नेशनल फ्लावर क्या है, देखते हैं कौन रिप्लाई करता है। नेशनल फ्लावर रिप्लाई करना है कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। एट क्वेश्चन, हु कन्फर्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 ऑन जनवरी 22, 2019। यानी ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ये किसने प्रदान किए हैं, किसने दिए हैं ये, तो ये प्रदान किए गए हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा। आंसर इज ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद। और ये अवार्ड 26 शॉर्टलिस्टेड अवार्डीज को प्रदान किए गए हैं। नाइन्थ वन, द गवर्नमेंट ऑन जनवरी 21, 2019 कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैंडिंग कमेटी हेडेड बाय विच बॉडी टू ओवरसी द ड्रग प्राइसिंग रिजिम। यानी हमें बताना है उस गवर्नमेंटल बॉडी का नाम जो ड्रग प्राइसिंग रिजिम की स्टैंडिंग कमेटी को हेड करेगी, तो इसका आंसर है नीति आयोग। पहले एक योजना आयोग हुआ करता था, उसी को ट्रांसफॉर्म करके, उसी को बदल के एक नया आयोग बन गया और उस आयोग का नाम हो गया नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका फॉर्मेशन हुआ 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसी आयोग का नाम क्या होता था, योजना आयोग। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ के चेयरमैन होते हैं। और वाइस चेयरमैन है इसके अभी राजीव कुमार। और इसके सीईओ का नाम कई बार एग्जाम में आया है कि इसके सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। 10th क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च द बजट ऑन जनवरी 22, 2019। तो रिसेंटली झारखंड के सीएम रघुवर दास ने एनुअल बजट टेबल किया है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, झारखंड। तो झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कई बार आ जाते हैं ये एग्जाम में। तो झारखंड के गवर्नर हैं, देखो अभी सीएम तो यहाँ के अभी बताए हैं मैंने, रघुवर दास हैं। और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। यहाँ का जो स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट, स्टेट बर्ड है कोयल, और यहाँ जो स्टेट फ्लावर है वो पलास फ्लावर है ना, वो यहाँ का स्टेट फ्लावर है। और स्टेट ट्री की बात करें तो वो है साल। तो झारखंड से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं यहाँ से। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन। अगर ये आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो का जो आपको PDF है वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।